दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रजोधन ऐप। रजोधन ऐप एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसकी सहायता से आप लोग पबजी मोबाइल में फ्री में रॉयल एलाइट पास ले सकते हैं। तो आपको कैसे लेना है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आपको सिंपली इस ऐप को मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक से डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करके उस पर अपने मोबाइल नंबर पर रजिस्टर करोगे तुरंत आपको 25 रुपये मिल जाएंगे। और फिर से मैं आपको इन्वाइट कोड दूंगा, देखिए ऊपर अभी आपको इन्वाइट कोड दिख रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा। तो यार वहाँ से आप लोग जैसे ही फिर इन्वाइट कोड डालते हो तो वहाँ से आपको और 25 रुपये मिल जाएंगे, मतलब टोटल आपको 50 रुपीज़ मिल जाएंगे। और देखिए पर रेफर में आपको 1250 कॉइन मिलेंगे जिसको आप लोग डेली आपको ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा रुपीज़ में, और उसे आप लोग पेटीएम द्वारा ले सकते हैं। और जितनी शेयर करोगे उतनी ज़्यादा आपको कॉइन्स मिलेगी। तो यार एक बहुत अच्छी ऐप है जिसकी सहायता से आप लोग रॉयल पास फ्री में ले सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आपको 100% डाउनलोड करना चाहिए और अपने फ्रेंड को शेयर करना चाहिए। आपको डेली चेक इन बोनस भी मिलता है। जैसे देखिए मैंने डाउनलोड किया था, मेरे तुरंत 50 रुपीज़ हो गए थे। और फिर एक दिन में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस एक बार चेक इन किया था, किसी को अभी तक शेयर नहीं किया है, और मेरे देखिए लगभग 51 रुपये हो चुके हैं। तो यार इस तरह करके आप लोग शेयर करके बहुत ही अच्छा यार कमा सकते हैं और रॉयल एलाइट पास बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं अगर आप लोग कुछ भी बंदों को शेयर कर दो तो जाओ यार, ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करो और इस ऐप को ट्राई करो। तो की हाल चाल सबकी आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गेमर नीलू में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेनेजिया मैप के बारे में, जो कि पबजी मोबाइल में हमारा नया आने वाला है। ये मैप कुछ इस तरह का होगा जिस तरह अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरह का ये मैप होगा। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा मैप होगा। इसकी साइज क्या होगी और ये कब आएगा और इसके साथ क्या क्या हमें नया कुछ देखने को मिलेगा, वही मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप भी जानना चाहते हैं पूरी बात तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो यार चलो बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार कहीं से भटकते भटकते आ गए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के मेंबर बन सकते हो। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग और साथ साथ बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो पर सिंपली एक लाइक भी कर देना, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलिए यार बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं मैप की साइज की। इस मैप का साइज होने वाला है 4x4, जो लगभग हमारे सैनोक मैप है उसके ही बराबर होगा। तो यार देखिए काफ़ी छोटा मैप है ये। जैसे सैनोक मैप में हमारे जल्दी जल्दी सर्कल आता है, बहुत जल्दी जल्दी क्लोज होता है और बहुत जल्दी जल्दी हमें जोन पे जाना होता है, इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह होगा। बस हमें कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा कि ये नया मैप है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें जो चीज़ें आने वाली है ना, इसके साथ बहुत सी नई चीज़ें आने वाली है, वो बहुत ही ज़ोरदार है। और उसका रिलीज डेट भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो चलिए यार अब इसमें बताते हैं इसमें क्या कुछ नया आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हीकल्स के बारे में। तो दोस्तों इस मैप के साथ हमें कुछ व्हीकल्स नए देखने को मिलेगी। तो जो सबसे पहले हमारा व्हीकल्स देखने को मिलेगी वो है हमारा बाईसाइकिल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये बाईसाइकिल हम लोग यूजुअली चलाते हैं यार, लेकिन ये हमारा पबजी मोबाइल पर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये पबजी मोबाइल में कन्फर्म है कि आएगा। ये अगर मैप आया तो ये मैप के साथ साथ ये बाईसाइकिल जरूर आएगा। तो बाईसाइकिल का एक्सपीरियंस देखने में काफ़ी अच्छा होगा। वैसे मुझे नहीं लगता इसकी ज़्यादा स्पीड होगी, लेकिन यार ये एक मजे के लिए होगा, जैसे कि सैनोक में हमारा स्कूटी आया हुआ है, कुछ उस टाइप में ये होगा। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट व्हीकल की ओर। तो यार बाइसाइकिल के साथ साथ हमारा एक और व्हीकल्स आने वाला है जिसे हम लोग बोलते हैं वेस्पा। ये एक स्कूटर की तरह ही है जैसे सैनोक पे आया है, लेकिन ये स्कूटी है, स्कूटर नहीं है। इसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी देखने में अच्छा होगा, लेकिन जो कुछ बोलो यार ये आ तो रहा है लेकिन लो बहुत, मतलब इसका स्पीड बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो ये सिर्फ मज़े के लिए होगा, इसे आप लोग सेफ्टी के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यार ये बात तो हो गई हमारी व्हीकल्स की, लेकिन अब हमारे बताते हैं कुछ वेपन्स भी आने वाले हैं। एक दो नहीं, पूरे 4 वेपन्स आने वाले हैं। तो वो क्या कुछ होगा एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बताऊंगा कि ये कैसा है, लेकिन मैं सिंपली इस वीडियो में बता दूंगा। अगर उसके ऊपर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा यार, तो आप लोग वो बता देना वो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब बताता हूँ कि कौन कौन से वेपन आ रहे हैं। तो यार जो हमारा पहला गन आ रहा है वो है वेरेटा ARX 160। तो यार ये तो एक ब्रांड न्यू असॉल्ट राइफल है जो कि हमारे पबजी मोबाइल में ऐड होने वाला है, और ये देखने में कुछ कुछ स्कारल के जैसा लग रहा है यार, मुझे तो लग रहा है। आप लोग को लग रहा है कि नहीं वो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना कि ये स्कारल जैसा देखने में लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये स्कारल जैसा है। तो ये 5.56 की MOE लेने वाला है मेरे ख्याल से, अभी तो उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये शायद 5.56 की एमओ लेगा यार, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो यही एक गन आने वाला है, और जो सेकेंड गन आने वाला है उसके बारे में हम लोग चले जाते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट गन है जो आने वाला है वो है बेनेली M4। बेसिकली एक शॉर्ट गन है यार, क्योंकि शॉर्ट गन में हम लोग बहुत दिन से देखा यार, बहुत दिन से क्या यार, जब से गेम आया है उसके बाद से कोई भी नया शॉर्ट गन आया ही नहीं है यार, वही हम लोग शॉर्ट गन से खेल रहे हैं खेल रहे हैं। तो यार एक नया शॉर्ट गन आ रहा है तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि इन लोगों ने शॉर्ट गन को भी शॉर्ट गन में भी कुछ नया डाला, क्योंकि वही पुराना शॉर्ट गन्स थे। तो देखा जाए, देखना होगा यार इसका डैमेज कैसा मिलेगा हम लोग को, और ये कोई यार इसमें असॉल्ट राइफल का ये वो सपोर्ट ना करे, SK-12 जैसा एक्सटेंडेड वगैरह ये सपोर्ट ना करे, तो ये तो देखने वाली बात होगी। तो यही हमारा दो है, अब अगले गन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यार जो हमारा अगला वेपन आने वाला है वो HK-911। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक पिस्तल है, ठीक है। तो ये अंडर वाटर पिस्तल है। तो अंडर वाटर पिस्तल क्या होता है वो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। देखिए जैसे हम लोग कभी कभी जानते हैं पानी में सर्कल बनता है, या फिर हम लोग को पानी के द्वारा आर पार जाना पड़ता है, तो यार उसमें क्या होता है, हम लोग गन का यूज़ नहीं कर पाते, ना मेडिकेट वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर पाते, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यार इसमें हमारा कुछ वर्क, मतलब इसमें हमारा कुछ काम के लिए आ रहा है HK-911 पिस्तल। तो ये हम क्या कर पाएंगे, इससे हम लोग पानी में भी फायर कर पाएंगे, पानी में भी शूट कर पाएंगे, और पानी से भी किसी बंदा को मार पाएंगे। तो मेरे को तो ये पता नहीं लगता है ये पानी में ही डैमेज देगा या पानी के बाहर भी डैमेज देगा, वो तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन पानी के बाहर ये मिलेगा तो मेरे को तो लगता है ये पानी के बाहर भी डैमेज दे ही देगा, लेकिन कम दे ज़्यादा दे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेन बात ये है कि ये पानी के अंदर चलेगा। तो यार बस ये तीन है और एक बचा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला वेपन आने वाला है वो कोई गन नहीं है मेरे भाई, वो है C4 एक्सप्लोजिव चार्ज, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ये एक किस्म से टाइमर बम जो होता है उस तरह से ये वर्क करेगा। इसे हम लोग जब भी फेंकेंगे ना, मान लीजिए कोई भी आप घर पे रश करते हो, तो यार ऊपर अगर स्क्वाड के बंदे हैं तो आप लोग वो ऊपर फेंक दो, तो वो ऊपर जाके फटेगा नहीं, वो जाके सिंपली दीवार से चिपक जाएगा या कहीं से भी जाके चिपक जाएगा। तो वो चिपकने से क्या होगा, कोई बंदा अगर उसके सटेगा, जैसे ही उस पर सटे या फिर उसके पास जाए तो वो अचानक फट जाएगा। तो ये एक किस्म से टाइमर की तरह वर्क करेगा, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं रहेगा, लेकिन बंदे जब उसके पास जाएंगे तो वो फट जाएगा। तो ये भी देखने में काफी मजा आएगा यार, क्योंकि ये कुछ नया हम लोग, ये पबजी वालों ने कुछ नया ट्राई किया, वैसे स्टन ग्रेनेड, फ्रैग ग्रेनेड, स्मोक वगैरह तो हम लोग देखते देखते पक गए थे, तो कुछ नया भी आने वाला है। अब बात करते हैं ये हमें मिलेगा कहाँ, ये हमें ड्रॉप पे मिल सकता है, ठीक है। ये क्योंकि अगर नॉर्मली बना दिया तो यार मज़ा नहीं आएगा, कुछ चीज़ें ड्रॉप पे भी बढ़नी चाहिए यार। एक तो उन्होंने M24 हटा दिया ड्रॉप से, तो यार ओम के अलावा कोई स्नाइपर बचा नहीं, तो यार कुछ तो होना चाहिए ऐसा यूनिक जिसके लिए बंदे जाएँ ड्रॉप पे। तो और जब से फ्लेयर गया है तब से तो यार दिमाग का दही हो गया है, सब अपना अपना फ्लेयर बुला रहे हैं, कोई तो जाता ही नहीं ड्रॉप के ऊपर। तो यार बस यही कुछ चीज़ें आने वाली है यार। तो ये कब आने वाली है अब मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो अपडेट आने वाला है, ये सिंपली अपडेट आने वाला है 0.12 या 0.13 में, माफ कीजिए। तो यार दोस्तों आप लोग ये समझना होगा, ये अभी नहीं आ रहा है, हो सकता है ये थोड़ा डिले करे या जल्दी भी आ जाए, इसका कोई गारंटी है नहीं। लेकिन ये आएगा जरूर, तो बस देखिए मैं इतना ही बताना चाहता था आप लोग।